डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज पर्ण बीज एक पौधा है और इसे जख्म हयात भी कहा जाता है, हयात भी कहा जाता है। यह आयुर्वेद का बहुत बढ़िया औषधि है और ब्लड को स्तंभन करता है। किसी भी पार्ट से अगर ब्लड गिर रहा हो उसको स्तंभन करता है यानी रोकता है। तो पर्ण बीज जो है एक पौधा है, यह जो है छुप की तरह होता है और चिकना होता है। जो पौधा जो है चिकना होता है और ये छुप होता है और यह जमीन से 1 फीट से लेकर 4 फीट ऊंचा होता है। धरती से लेकर ऊंचाई इसका 1 से 4 फीट ऊंचा होता है। पत्र यानी पत्तियां मोटा होता है, उसको पत्ती को तोड़ने पर मांसल जैसा अंदर गुदा जैसा दिखाई देता है, मोटा तह होता है पत्ती इसका। और 3 खंड में होता है, जो पत्ती जो है 3 खंड में होता है। और इसका पुष्प जो है और 3 खंड में होता है और गोलाकार होता है। पत्ती जो है से गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। और पुष्प जो है पुष्प का बाहरी भाग आपको लंबाई 1 से 1.5 इंच होता है। और पुष्प का रंग जो है बैंगनी हरा रंग का होता है। पुष्प जो उसमें निकलता है उसका कलर बैंगनी और हरा होता है। और पुष्प को तोड़ने के बाद अंदर का भाग नीचे वाला हरा होता है और ऊपर का भाग जो है रक्त और बैंगनी रंग का होता है। और फल जो है छोटा होता है, छोटाकार में होता है, छोटा होता है और चिकना होता है, अंडाकार होता है, अंडे के समान होता है और आयताकार होता है। फल जो है आपको चिकना, छोटा और अंडा का सदृश के समान होता है। और आपको इसकी पत्तियां में कलियां निकलते हैं और पत्ती जब टूट कर धरती पर गिरता है तो नया वहां एक पर्ण बीज उत्पन्न होता है, यानी पौधा उत्पन्न होता है या छुप कहिए। पत्ती में जो है से गिरने से नया उत्पन्न होता है। यह जो है बंगाल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे उष्ण प्रदेश में भी यह औषधि पाया जाता है पर्ण बीज। अब आपको मैं आयुर्वेद से गुण उपयोग बतला रहा हूँ। दोष प्रयोग बात और पीत विकार में इसका प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह जो है औषधि जो है आपको धमनियाँ, जो छुष्म धमनियाँ होती है उसको संकुचित करता है, उससे ब्लड का स्राव को बंद करता है यानी रोकता है। वर्ण शोधन के लिए या वर्ण रोपण के लिए इसका जो है पत्र का कलक बनाकर इसका लेप करते हैं। तो वर्ण के मतलब हो गया जख्म, छोटा छोटा जख्म या बड़ा जख्म, उसको शोधन करता है यानी शुद्ध करता है, मवाद नहीं बनने देता है। रोपण यानी उसको आराम करता है, नष्ट करता है। और आपको अभिघात में यानी किसी तेज शस्त्र से लग जाने से जख्म हो जाता है या क्षत हो जाता है, उसमें पर्ण बीज का पत्र का सौरस देने से आराम मिलता है और जो है से ठीक होता है। वर्म में भी इसका प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रक्त प्रवाहिका में इसका प्रयोग करते हैं, सौरस का पत्ती का उसमें रक्त प्रवाहिका को सदा के लिए समाप्त करता है, यानी कष्ट के साथ जो रक्त आता है उसको बंद करता है। खूनी बवासीर में भी इसका उपयोग करते हैं, उससे खून जो है बवासीर का तुरंत जो है से बंद करता है। रक्तज लिकोरिया में भी इसका प्रयोग करते हैं, जो ब्लड को बंद करता है। रक्त शोधक है और रक्त और पित्त शामक है। यह औषधि जो है रक्त स्तंभन है, ब्लड को रोकता है। और आपको यह औषधि बहुत अच्छा औषधि है। इसका प्रयोग अंग जो लाते हैं, पत्र लाते हैं, मात्रा जो है सौरस का
10 से 20 मिलीग्राम तक लेते हैं। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।